बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, परदेसी न्यूज़ में खुश आमदीद। सऊदी हुकूमत का डिजिटलाइजेशन की तरफ एक और संग मील उबूर कर लिया है। अब आपको सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस को कार्ड की सूरत में जेब में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज सऊदी मरूर ने सऊदी ट्रैफिक पुलिस ने अहम ऐलान किया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस भी इकामे की तरह डिजिटल हो चुका है। जिस तरह आप सब दोस्त जानते हैं कि आज से चंद महीने पहले सऊदी जवाजात ने एक अहम ऐलान किया था कि अब इकामे को कार्ड की सूरत में जेब में रखने की ज़रूरत नहीं है। इकामे के लिए सऊदी जवाजात ने एक एप्लीकेशन बनाया था जिसका नाम है अबशर इंडिविजुअल। अबशर इंडिविजुअल में आप डिजिटल आईडी बना सकते थे, जहां कहीं भी आपसे कोई भी शख्स, कोई भी इदारा आपसे इकामा तलब करता है तो आप डिजिटल आईडी उनको दिखा सकते हैं, जिसको वो लोग स्कैन करके जो भी उनकी ज़रूरत होती है वो उसको पूरा कर लेते हैं और उसको अथेंटिक माना जाता है। इसी तरह अब सऊदी मरूर यानी सऊदी ट्रैफिक पुलिस ने भी अबशर इंडिविजुअल के ज़रिए डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस का आगाज़ कर दिया है। जिस तरह आप डिजिटल आईडी बनाते हैं, इसी तरह आप अबशर इंडिविजुअल में अब डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस भी बना सकते हैं। जहाँ कहीं भी मरूर या कोई भी इदारा आपसे ड्राइविंग लाइसेंस तलब करे, आप डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस उनको दिखा कर उनको अथेंटिक माना जाएगा। आपके आपको अपने पर्स में, अपने वॉलेट में ड्राइविंग लाइसेंस रखने की बिल्कुल कोई भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ कहीं भी कोई इदारा आपसे पूछे, आप सिर्फ़ उनको डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस दिखाए, वो उसको स्कैन करेगा और उनकी तमाम मालूमात उनको मिल जाएगी। इसका मेन मकसद यही है सऊदी हुकूमत का कि अब आपको मोबाइल भी जेब में रखकर और वॉलेट, दोनों चीज़ों को जेब में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मोबाइल अभी आपके जेब में है और वॉलेट आपके जेब में नहीं है तो आपको कोई परेशान नहीं होगी, क्योंकि आप वॉलेट से कोई, आप अपने मोबाइल से कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल से इकामा भी दिखा सकते हैं, आप अभी अपना मोबाइल से ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखा सकते हैं। तो ये एक बहुत अहम स्टेप है सऊदी हुकूमत का और ये डिजिटल होने का एक अहम फ़ायदा है कि अब आपको ये डर नहीं होगा कि मेरे से कोई बटुआ छीन ले या मेरे से कहीं बटुआ, मेरा वॉलेट गुम हो जाए तो मेरा इकामा गुम हो जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस भी गुम हो जाएगा, क्योंकि आपके मोबाइल में अब तमाम ये चीज़ें मौजूद है। लिहाजा आपको अब इकामा और ड्राइविंग लाइसेंस को कार्ड को अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ उन लोगों के लिए अगला स्टेप है जिनके नाम पर गाड़ी है, जिनके अपनी पर्सनल गाड़ी है, उनके पास गाड़ी का इस्तेमारा होता है, जो रजिस्ट्रेशन है उनका कार्ड उनके पास होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द सऊदी हुकूमत डिजिटल इस्तेमारे का भी प्लान बना रही है। डिजिटल इस्तेमारा भी चंद ही महीनों में इंशाल्लाह आ जाएगा, फिर आपको इस्तेमारे को भी जेब में रखने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ये अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट है कि सऊदी मरूर ने अब डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस का आगाज़ कर दिया है, लिहाजा आपको अब ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड की जेब में रखने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।